Hey everyone, I hope you all are doing well. So today we are starting a new chapter, that is locomotion and movement. We will study through these notes, and in these notes I have covered each and every line of NCERT, so no need of reading NCERT, just revise these notes. And if you want the PDF format of these notes, it will be available on my Telegram channel, so join my Telegram channel. The link is given in the comment section. So let's start. So here locomotion and movement are two different things. और लोकोमोशन और मूवमेंट, आपके जितने भी लोकोमोशन आप कर रहे हो वो क्या आपकी सभी मूवमेंट्स में काउंट होगा, लेकिन आपकी जो भी सभी मूवमेंट्स हैं वो आपकी लोकोमोशन में काउंट नहीं होंगी. ये टू डिफरेंट जो हैं टर्म्स हैं. लोकोमोशन एक अलग टर्म है और मूवमेंट एक अलग टर्म है. लोकोमोशन का मूवमेंट है कि चलना, मतलब कि आप जैसे आप कहीं चल रहे हो, चल के कहीं जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, अपनी प्लेस चेंज कर रहे हो, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, लोकोमोशन. मूवमेंट का मतलब होता है जैसे आप अभी बैठे हुए हो, जैसे आप बैठे हुए हो और जैसे जस्ट अपने हाथ्स की मूवमेंट करो, लेग्स की मूवमेंट करो, बट आप क्या कर रहे हो, मोशन तो कर रहे हो लेकिन आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो. आप उसी पोजीशन पे स्टेबल रह के क्या कर रहे हो, मूवमेंट्स करो, उसको बोलते हैं हम मूवमेंट. लोकोमोशन का मतलब होता है अपनी जगह चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको क्या बोलते हैं, लोकोमोशन. सो और लोकोमोशन और मूवमेंट, जो लोकोमोशन आप कर रहे हो वो क्या मूवमेंट है, लेकिन सभी जो आप मूवमेंट्स कर रहे हो वो लोकोमोशन नहीं है. सो यहाँ से आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट है हमारे पास ओरिजिन ऑफ मसल्स. तो जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं उनका ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन में. परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मसल्स. अब हमारी जो मसल्स है वो कितना बॉडी वेट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, कितनी बॉडी का वेट बनाते हैं हमारा, वो 40 से 50% जो हमारा बॉडी वेट है वो मसल्स की वजह से ही होता है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स. अब मसल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट इज़ एक्साइटेबिलिटी, ये ऑटो एक्साइटेबल होती हैं. कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. हमारी मसल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट इज़ excitability, contractibility, third is extensibility and fourth is elasticity. मसल्स की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं. ये हम बहुत जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं कि मसल्स हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं. एक होती है हमारे पास स्ट्रेटेड मसल, एक होती है स्केलेटल. स्ट्रेटेड और स्केलेटल, स्ट्रेटेड मसल्स को ही सेकंड नेम है स्केलेटल. विजरल का सेकंड नेम है स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स. कार्डियक टर्म हमें पता है, जो कार्डियक टर्म है वो हार्ट के साथ रिलेटेड है, तो कार्डियक मसल्स मींस जो मसल्स कहाँ पे, हार्ट पे प्रेजेंट होती हैं. स्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल्स की बात करें तो उनमें क्या होते हैं, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ऐसे लाइन्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं. और ये वॉलेंटरी होती हैं, मतलब कि आप इनकी जो वर्किंग है उसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, आपके कंट्रोल में ये वर्क करती हैं. और ये विद बोन्स के साथ क्या होती है, ये बोन्स के साथ जो मसल्स लगी होती हैं वो मसल्स होती हैं स्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल्स. अब विजरल या फिर स्मूथ मसल्स की बात करें तो इनमें स्ट्रिएशंस जो है वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, इनमें ऐसे जो स्ट्राइप्स हैं स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं होती है, स्मूथ होती है, नेम से मतलब स्मूथ मसल मतलब स्मूथ, स्ट्रिएशंस नहीं है, इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं. होलो विजरल ऑर्गन्स में ये होती हैं. विजरल जो आपकी स्मूथ मसल्स है ये होलो विजरल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं. और ये स्पिंडल शेप की होती है. स्पिंडल शेप मीन्स इस शेप की होती हैं, ये ऐसे करके स्पिंडल शेप की होती हैं जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं. कार्डिक मसल्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, स्ट्रिएशंस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो ये मैंने आपको बताया यहाँ पे ऐसे स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं, स्ट्राइप्स बनी होती हैं इन पे, और इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, और ये हार्ट में होती हैं. कार्डिक मसल्स सिर्फ हार्ट में होती हैं. सो यहाँ पे आपको तीनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. इसमें स्ट्रिएशंस है, सिर्फ स्मूथ मसल्स में स्ट्रिएशंस नहीं होती, और स्केलेटल कार्डियक दोनों में होती हैं. इनवॉलेंट्री सिर्फ हमारी स्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल्स नहीं होती है, हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं, ये वॉलेंट्री होती हैं. और ये होलो विजुअल ऑर्गन्स में होती है. हमारी स्मूथ मसल्स बोन्स के साथ स्ट्रेटेड या स्केलेटल, स्केलेटल वर्ड का मतलब, स्केलेटल का मतलब क्या होता है, बोन्स, तो बोन्स के साथ कौन जुड़ी हुई हैं, स्केलेटल मसल्स डैट इज स्ट्रेटेड मसल्स. और विजुअल स्मूथ मसल्स की बात करें तो होलो विजुअल ऑर्गन होते हैं, और कार्डिक मसल्स हमारी हार्ट में होती हैं. नेक्स्ट, मसल हैव मैनी मसल बंडल्स और फेसिकल्स. मसल्स के अंदर क्या होते हैं, मसल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं. मसल बंडल्स को हम साइंटिफिक टर्म दी हुई है फैसिकल्स, मसल बंडल्स को हम क्या बोलते हैं, फैसिकल्स भी बोलते हैं। मसल्स हैव मैनी मसल बंडल्स और फैसिकल्स, और मसल बंडल्स हैव मैनी मसल फाइबर और मसल सेल्स। मसल्स के अंदर क्या है, मसल बंडल्स हैं या फिर फैसिकल्स बोल लो, और मसल्स बंडल्स के अंदर क्या है, मसल फाइबर है या फिर मसल सेल बोलते हैं जिनको हम। जो फैसिकल्स होते हैं हमारे जो या फिर मसल बंडल्स, वो कनेक्टेड बाय फासिया। जो हमारे फैसिकल्स हैं वो किससे ज्वाइन होते हैं, एक दूसरे से, फासिया जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है उससे ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से। मसल बंडल्स कनेक्टेड बाय फासिया, और फासिया से हमारा नाम क्या आया, फैसिकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास मसल सेल। अब मसल सेल की हम बात करें तो ऐसे नॉर्मली हम जो सेल होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, लेकिन मसल सेल है वो, तो अगर मसल का कोई सेल है तो उसके साइटोप्लाज्म को और उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने एक अलग टर्म दी हुई है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सार्कोलीमा, हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा। साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्को टर्म जो है वो हमने मसल्स के लिए ही, मसल्स को ही दी हुई है, सार्को। सार्को जहाँ भी है मतलब कि मसल सेल की बात हो रही है, तो सार्कोलीमा मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म की बात करें तो सार्कोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द टर्म गिवन टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस एंडो की जगह क्या लगा है, सार्को। तो सार्को टर्म जो है वो मसल्स के लिए ही है। नेक्स्ट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। सो हमारे कैल्शियम जो आयंस होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब हम एक्टिन पे आते हैं। सो एक्टिन क्या होता है, कितने टाइप्स का हो सकता है एक्टिन, हमारे पास क्या होता है, दो टाइप का होता है, ग्लोब्यूलर और फिलामेंटस। ग्लोब्यूलर का मतलब ऐसे गोल गोल सा, और फिलामेंटस मतलब एक लाइन की तरह प्रेजेंट है, फिलामेंटस एक्टिन। सो ग्लोब्यूलर एक्टिन जब है हमारा, जो ग्लोब्यूलर एक्टिन है ना, जब वो कंबाइन हो जाता है साथ में ऐसे करके चेन बना लेता अपनी ग्लोब्यूल्स की, तो उसको हम क्या नेम दे देते हैं, उसको हम नेम दे देते हैं फिलामेंटस एक्टिन का। फिर जब दो फिलामेंटस एक्टिन आपस में जुड़ जाते हैं, क्या होता है, ग्लोब्यूलर एक्टिन से आपको क्या बना, फिलामेंटस एक्टिन। और फिलामेंटस एक्टिन जब ऐसे टू फिलामेंटस एक्टिन जो है ऐसे वाले, वो साथ में जब कंबाइन करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एक्टिन। वो क्या बनाएंगे, एक्टिन बनाएंगे। नेक्स्ट इज ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट ऑन एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। अब क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आपका एक्टिन है, ये आपका क्या एक्टिन, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्टिन। सो एक्टिन के क्या होता है, एक्टिन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ट्रोपोमायोसिन। जो ट्रोपोमायोसिन है वो आपका ये ट्रोपोमायोसिन, ये क्या आपका ट्रोपोमायोसिन, ये पूरा आपकी लेंथ तक जहाँ तक एक्टिन है वहाँ तक आपका ट्रोपोमायोसिन ऐसे उससे क्या होगा, उस पर प्रेजेंट होगा थ्रू आउट इट्स लेंथ। एक्टिन की लेंथ तक पूरा उस पर क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन पूरा कवर करके रखेगा एक्टिन को। अब क्या होता है, ट्रोपोनिन प्रेजेंट ऑन ट्रोपोमायोसिन एट रेगुलर इंटरवल्स। अब क्या होता है, जो आपका एक्टिन है उसके ऊपर क्या है, ट्रोपोमायोसिन है। अब ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या है, ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या है हमारे पास, ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। जो आपका ये आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपका ट्रोपोनिन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ट्रोपोनिन प्रेजेंट होगा, रेगुलर इंटरवल्स पे होगा, थ्रू आउट लेंथ प्रेजेंट नहीं होगा, रेगुलर इंटरवल्स पे क्या होगा, ऐसे ऐसे क्या प्रेजेंट होगा, ट्रोपोनिन प्रेजेंट होगा हमारा किसके ऊपर, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। सो नेक्स्ट है हमारे पास कि अब इनका रोल क्या होता है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन का मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये याद रखना कि थिक फिलामेंट कौन होता है, मायोसिन, और थिन कौन होता है, एक्टिन। थिन कौन होता है, एक्टिन, और थिक कौन होता है, मायोसिन। अब जो आपका ये होता है यहाँ पे, जो आपका मायोसिन होता है, पहले हम मायोसिन को देख लेते हैं। तो जो आपका मायोसिन होता है, मायोसिन इज अ पॉलीमर ऑफ मीरोमायोसिन्स। पॉलीमर मींस लंबी लंबी चेन्स होती है, मीरोमायोसिन्स लंबी लंबी चेन्स बना के क्या बनाता है, मायोसिन। तो जो मीरोमायोसिन है उसके टू बॉडी पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं उसके, एक होता है हैवी मीरोमायोसिन, एक पार्ट होता है उसका लाइट मीरोमायोसिन। एक होता है हैवी मीरोमायोसिन, एक होता है लाइट मीरोमायोसिन। जो आपका हैवी मीरोमायोसिन है वो क्या बनाता है, हेड बनाता है प्लस शॉर्ट आर्म बनाता है, क्या फॉर्म करता है वो, हेड प्लस शॉर्ट आर्म। लाइट मीरोमायोसिन क्या बनाता है, आपका टेल। लाइट मीरोमायोसिन क्या होता है, टेल। हैवी मीरोमायोसिन का होता है हेड प्लस शॉर्ट आर्म। तो ये हमारा के पास क्या है, ये जो है हमारे पास क्या मायोसिन का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, लाइट मीरोमायोसिन। क्या है, ये टेल बनाएगा। ये आपका हैवी मीरोमायोसिन क्या बनाएगा, हेड प्लस शॉर्ट आर्म। और ये इसके अंदर क्या होता है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। मायोसिन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया हुआ ये क्या आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट, यहाँ पे एक्टिन बाइंड करता है। और एक इसके अंदर क्या होती है एटीपी बाइंडिंग साइट, यहाँ पे एटीपी बाइंड करता है, यहाँ पे एक्टिन बाइंड करता है, यहाँ पे एटीपी बाइंड करता है। एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइट। सो ये हमारे पास है मायोसिन का स्ट्रक्चर। अब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, मायोसिन ने क्या करना होता है एक्टिन के साथ क्या करना होता है, बाइंड करना होता है। तो मायोसिन ने बाइंड करना है एक्टिन के साथ। अब जो मायोसिन है वो कहाँ बाइंड करता है, हमारा ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर बाइंड करेगा ना, एक्टिन के ऊपर बाइंड करता है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर बाइंड करता है। लेकिन क्या होता है जहाँ पे ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है ना, तो वो ट्रोपोनिन जो है वो इसको मायोसिन को क्या होता है बाइंड नहीं करने देता, किसके साथ एक्टिन के साथ। जो ट्रोपोनिन प्रेजेंट है ना ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, वो ट्रोपोनिन एक्टिन के साथ ना इसको बाइंड नहीं करने देता मायोसिन को। तो क्या होता है कैल्शियम टू पॉजिटिव बाइंड विद ट्रोपोनिन एंड रिमूव इट। क्या होता है जो कैल्शियम आयंस होता है, फिर क्या होता है जो कैल्शियम आयंस होता है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करके उसको वहाँ से रिमूव कर देता है। फिर आपका मायोसिन एक्टिन के साथ क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। क्या होता है जो कैल्शियम होते हैं कैल्शियम आयंस वो बाइंड कर जाते हैं किसके साथ, ये जो ट्रोपोनिन प्रेजेंट है इनके ऊपर। इस ट्रोपोनिन को बाइंड करके क्या करेगा ये अपने साथ ले जाएगा, यहाँ पे खाली स्पेस हो जाएगा, खाली हो जाएगा। फिर क्या होगा आपका मायोसिन इजीली ट्रोपोमायोसिन या फिर एक्टिन के साथ क्या कर पाएगा, बाइंडिंग कर पाएगा। सो यहाँ पे यूज आता है हमारा कैल्शियम का, कैल्शियम आयंस का यूज यहाँ पे होता है। ये याद रखना कि मायोसिन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ मसल किसको बोलते हैं हम, मायोसिन को बोलते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब फंक्शन यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे आते हैं जो कि हमारे पास कौन है, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या है, फंक्शन यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर सबसे पहले पता होना चाहिए, सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है सार्कोमेयर में ऐसे करके यहाँ पे क्या होती है ये आपकी Z लाइन्स प्रेजेंट होती हैं। ये कौन सी लाइन्स है जो मैंने यहाँ पे रेड से रिप्रेजेंट की, ये है Z लाइन्स आपकी, इनको बोलते हैं Z लाइन। अब Z लाइन के साथ क्या अटैच होता है, यहाँ पे ऐसे करके क्या होता है एक्टिन। क्या होता है यहाँ पे ये चीज़ क्या है हमारी एक्टिन, ये हमारी एक्टिन है, ये हमारी Z लाइन है। अब Z लाइन के साथ एक्टिन है, एक्टिन के आगे आगे होती हैं ऐसे करके लाइन्स होती हैं, और ये यहाँ भी एक्टिन है आपका, ये भी एक्टिन है, ये भी एक्टिन है। अब एक्टिन्स के बीच में जो स्पेस बची है ना, जस्ट ये वाली स्पेस है जो एक्टिन के बीच में स्पेस है, एक मिनट को मैं यहाँ से बताती हूँ। ये देखिए ये दो एक्टिन है ना, इनके बीच में जो स्पेस बची है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, ये आपका क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ये थिक सा, ये है आपका मायोसिन। ये क्या होता है मायोसिन प्रेजेंट होता है दो थिन एक्टिन्स के बीच में जो स्पेस होती है। अब देखो यहाँ से ही पता लग रहा है कि थिन वाला कोना एक्टिन है और थिक वाला कोना मायोसिन है। सो ये आपका मायोसिन है, ये आपका एक्टिन है। अब मायोसिन, ये आपका मायोसिन, ये एक्टिन, ये Z लाइन। अब क्या होता है ये आपका ए बैंड होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक मायोसिन की एज तक ना, ये मायोसिन है ना, ये मायोसिन को पूरा जो कवर कर रही है लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक। ये जो लाइन है ना, ये जो जोन होती है ये वाली, ये इतनी यहाँ तक, ये पूरी जो मायोसिन तक है, जो वहाँ पे सिर्फ जहाँ पे मायोसिन प्रेजेंट है उस जोन को हम क्या बोलते हैं, उस बैंड को हम क्या बोलते हैं ए बैंड, उसको हम क्या बोलते हैं ए बैंड। ए बैंड जहाँ तक आपकी मायोसिन प्रेजेंट है उस बैंड को, उस रीजन को क्या बोलते हैं ए बैंड बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एच जोन की। तो एच जोन क्या होता है, एच जोन वो जगह है जहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, एक्टिन प्रेजेंट नहीं है। क्या है एच जोन, वो है जहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या है मायोसिन प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मायोसिन ही प्रेजेंट है। यहाँ पे ये वाली जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये आपको दिख रहा होगा, मैं येलो से इसको कलर कर रही हूँ, ये ऐसे। यहाँ पे सिर्फ क्या है मायोसिन है। इस पोजीशन, इस रीजन को बोलते हैं हम एच जोन, इसको क्या बोलते हैं एच जोन। लेकिन जो मैंने आपको ए जोन बताया, मैं फिर से आपको बताती हूँ, ए जोन में क्या था, ये आपका मायोसिन है, मायोसिन के एज तक आपका ए बैंड है ना, और इसमें क्या आ रहा है आपका, ये यहाँ पे क्या आ रहा है एक्टिन भी आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे एक्टिन भी आ रहा। तो एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं किसमें, ए बैंड में। ये आपका ए बैंड है, ये आपका H-zone है, ये आपका मायोसिन है, ये आपका एक्टिन है, आपकी Z लाइन है। सो यहाँ से आपको क्या होगा, सार्कोमेर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये आपकी Z लाइन, ये आपका जो है ये वाली लाइन, ये आपकी एक्टिन, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, सार्कोमेर है। और ये आपका थिक फिलामेंट कौन है, मायोसिन, थीन आपका एक्टिन है। अब जहाँ पे सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ कौन है, मायोसिन प्रेजेंट है। मायोसिन जहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं H-zone, उसको हम क्या बोलते हैं, H-zone। और जहाँ पे आपका दोनों एक्टिन भी प्रेजेंट है, ये वाला चीज़, एक मिनट इसको हम रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो है यहाँ पे आपका एक्टिन भी प्रेजेंट है, ये देखिए यहाँ पे एक्टिन प्रेजेंट है ना, एक्टिन भी प्रेजेंट है और मायोसिन भी प्रेजेंट है। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे इस रीजन को ए बैंड, इसको हम क्या बोलेंगे, ए बैंड। सो यहाँ से सार्कोमेर का स्ट्रक्चर हमें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं अब हम, तो अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, ऐसे करके टू सार्कोमेर है ना, दो सार्कोमेर, ये एक सार्कोमेर हो गया और ये दूसरा सार्कोमेर हो गया। अब वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दो सार्कोमेर्स का स्ट्रक्चर बना के लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या था आपका, ये आपका था ए बैंड, फिर ये वाली चीज़ क्या थी आपकी, ये थी आपकी H-zone, Z लाइन, एक्टिन, मायोसिन, ये वही है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आता है आपका आई बैंड। आई बैंड क्या होता है, आई बैंड में आपका क्या होता है, मायोसिन प्रेजेंट नहीं होता। आई बैंड ये यहाँ से दो, ये आई बैंड जो है ये दो सार्कोमेयर्स के बीच में बनता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, मायोसिन प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली एक्टिन प्रेजेंट होता है और जेड लाइन प्रेजेंट होती है। मायोसिन नहीं होता, एक्टिन होता है और जेड लाइन होती है। ये कंबाइन यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा रीजन है, आई बैंड, कौन सा रीजन है, आई बैंड। सो यहाँ पे आपको ये आई बैंड भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, जो चीज़ें सेम रहती हैं, जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, सार्कोमेयर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें सेम रहेंगी वो कौन कौन सी सेम रहेंगी, जिनकी लेंथ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें सेम रहती है, एक हमारे पास मायोसिन सेम रहता है, एक्टिन और ए बैंड। कौन, मायोसिन सेम रहेगा, एक्टिन सेम रहेगा और ए बैंड। इस जो ये चीज़ है यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है पहले भी, तो इसको माइंड में रखना कि रिमेन सेम, कौन सेम रहता है हर टाइम, मायोसिन, एक्टिन और ए बैंड। इनकी लेंथ में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। तो इसको लर्न करने की ट्रिक है मा, MAA, माँ। माँ वर्ड बन रहा है, माँ मीन्स जो हमारी मदर होती है, वो हर टाइम चाहे अच्छे मार्क्स आए चाहे बुरे मार्क्स आए, मदर तो हमारा सपोर्ट करती है, हमेशा सेम ही रहती है हर सिचुएशन में। तो इसलिए इसको लर्न करने की ट्रिक है कि सेम कौन रहता है हर टाइम, तो वो रहती है माँ, दैट इज़ मायोसिन, एक्टिन एंड ए बैंड। अब गेट शॉर्टन, अब छोटा कौन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद छोटा कौन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद की बात हो रही है या आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या चीज़ें छोटी जाती है, हमारा आई बैंड छोटा जाता है और सार्कोमेयर छोटा जाता है। कौन, आई बैंड और सार्कोमेयर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, जो आपका H-zone है वो डिसअपेयर कर जाती है। अब H-zone कौन सी थी देख लेते हैं, ये जो आपकी H-zone है ये क्या कर जाती है, डिसअपेयर कर जाती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। आई बैंड जो है वो छोटा हो जाता है। Z line attached to actins are pulled inwards. Z line attached to actins are pulled inwards. जो आपकी Z line है वो अटैच कर जाती है एक्टिन्स के साथ और उनको क्या करती है, अंदर की तरफ खींचती है। ये आपकी Z line जो है एक्टिन्स के साथ अटैच हो जाती है और उनको खींचती है कहाँ, इनवर्ड्स। मायोसिन हाइड्रोलाइजेज एटीपी, मायोसिन क्या जनरेट करता है, एटीपी, और रिलीजिंग एटीपी एंड पीआई। एटीपी यूटिलाइज करता है मायोसिन, वो फिर के उससे क्या रिलीज होता है, एटीपी और पीआई, दैट इज फॉस्फेट। एटीपी यूटिलाइज करके एडीपी और फॉस्फेट कम रहता है मायोसिन। सो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हमारे पास ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या होता है, ये सब होता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। कॉन्ट्रैक्शन के बाद सेम कौन रहता है, मायोसिन, एक्टिन, ए बैंड, और छोटा कौन हो जाता है, छोटा शॉर्ट कौन हो जाता है, आई बैंड और सार्कोमेयर। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम रेड फाइबर और वाइट फाइबर की बात करें। मसल फाइबर टू टाइप्स के होते हैं, रेड फाइबर और वाइट फाइबर। रेड फाइबर कौन से होते हैं, जिनमें क्या होता है, मायोग्लोबिन हाई होता है। मायोग्लोबिन जिसमें क्या होता है, हाई होता है, वो क्या है, रेड फाइबर। ऐसे याद रखो कि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हमारे ब्लड में होता है। हमारा ब्लड क्या होता है, रेड कलर का होता है। सो मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन सेम सेम आ रहा है ना पेयरिंग में। तो मायोग्लोबिन जिसमें हाई मीन्स वो रेड फाइबर होंगे, मायोग्लोबिन जिसमें लो वो मीन्स वो वाइट फाइबर होंगे। नेक्स्ट एरोबिक ये एरोबिक होते हैं रेड फाइबर और एनारोबिक होते हैं हमारे पास वाइट फाइबर। माइटोकॉन्ड्रिया में हाई होते हैं क्योंकि एरोबिक होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया में हाई होंगे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लेस होते हैं, ये रेडिश होते हैं और ये वाइट होते हैं। इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस होता है, इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर होता है। अब ये इसको अपोजिट मिलान कर लो कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें हाई होंगे उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, लेस होगा। जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया लेस होंगे उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर होगा। इसका एग्जाम्पल है रेड फाइबर आपका कहाँ पे यूज ज़्यादा यूज होता है, मैराथन रनिंग में आपका कौन फाइबर हेल्प करता है आपको, रेड फाइबर। और स्प्रिंट रनर्स में वाइट फाइबर, स्प्रिंट रनिंग में कौन हेल्प करता है, वाइट फाइबर हेल्प करता है। सो यहाँ पे हमारा जो आपका मसल्स का था वो ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं अपने स्केलेटन सिस्टम के ऊपर। सो स्केलेटन सिस्टम कवर करना है या नहीं, कर ले कवर। चलो स्केलेटन सिस्टम पे आ जाते हैं। स्केलेटन सिस्टम में बात करें तो हम सबको पता है ह्यूमन बॉडी में कितनी टोटल बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। तो स्केलेटल मसल्स में आपकी जो एक्सियल स्केलेटन है और अपेंडिकुलर स्केलेटन है, टू टाइप्स की स्केलेटन में डिवाइड किया हुआ, टू टाइप्स में, एक एक्सियल स्केलेटन होती है और एक होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास 126 बोन्स होती हैं। 80 बोन्स एक्सियल में होती हैं, अपेंडिकुलर में 126 होती हैं। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, हेड में, वर्टिब्रल कॉलम में और रिब्स में प्लस स्टर्नम में। हेड में हमारे पास कितनी बोन्स होती हैं, हेड में हमारे पास 29 बोन्स होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास 26 बोन्स होती हैं, रिब्स प्लस स्टर्नम में हमारे पास 24+1, रिब्स में 24+1, स्टर्नम 1 बोन, तो 24+1 मीन्स 25 बोन्स, रिब प्लस स्टर्नम को करके बने तो 25 बोन्स होंगी। तो हेड के आगे, हेड जो है वो फर्दर 2 में डिवाइडेड है, स्कल में और एयर ऑसिकल्स में। हेड के 2 पार्ट्स हैं, स्कल और एयर ऑसिकल्स। अब स्कल में कितनी बोन्स होती है, 22+1, ये जो 1 है ये कौन है, हायोइड। हायोइड बोन जो है वो स्कल में ही काउंट की हुई है एनसीईआरटी में, तो 22+1 स्कल में होता है। एयर ऑसिकल्स की बात करो तो 3 ईच, मतलब एक कान में 3 बोन्स, दूसरे कान में 3 बोन्स, तो 6 बोन्स हो जाएंगी, 3+3। सो अगर हम स्कल में देखें तो स्कल के 3 पार्ट, क्रेनियम, फेशियल, हायोइड। क्रेनियम कितनी बोन्स होती है हमारी, 8 बोन्स होती है, फेशियल बोन्स कितनी होती है, 14, और हायोइड हमारे पास 1 बोन होती है। और एयर ऑसिकल्स जो है हमारे पास, जो एयर ऑसिकल्स है, एयर ऑसिकल्स को लर्न करने की ट्रिक है मिस, मिस के एम से आपका आएगा मेलस, आई से इनकस, एस से स्टेपीज। तो मेलस, मेलस जो है आपका ये कहता है टिपेनम को ज्वाइन करता है, मेलस क्या टिपेनम ज्वाइन है, इनकस क्या आपका इंटरनल एयर ज्वाइन है, और स्टेपीज क्या स्मॉलेस्ट बोन है, स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन, इनकस इज द इंटरनल एयर ज्वाइन एंड मेलस इज द टिम्पैनम ज्वाइन। अब वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है, 26 बोन्स। अब वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स को लर्न करने की ट्रिक है ये याद रखना आपने कि C7T12L5S1C1 = 26 क्या है, C7T12L5S1C1 = 26। इसका मतलब है यहाँ पे 5 और 4। अब इस चीज़ का मतलब है हमारे पास कि जो आपकी जो ये S है और यहाँ पे इसके नीचे 1 है, मतलब कि 1 है नंबर में, और ये किससे बनी हुई है, 5 बोन्स के फ्यूजन से बनी हुई है एक बोन। ये जो बोन है ये किससे बनी हुई है, 5 बोन के फ्यूजन से एक बोन बनी हुई है। 5 बोन्स मिलकर कौन सी बनाते हैं, इसको बनाते हैं, वो भी 1। और ये जो C1 लिखा है 1 नंबर है इसका, एक होती है ये, और ये 4 बोन्स के फ्यूजन से बनी हुई है। सो यहाँ पे ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो C7 मतलब ये 7 नंबर में है, 7 है, ये 12 है, ये 5 है, ये 1 है और ये 1 है, और ये 5 बोन्स के फ्यूजन से बनी है, 4 बोन्स के फ्यूजन से बनी है। अगर आप काउंट करेंगे तो ये 26 टोटल बनेंगी। तो यहाँ पे हमारा एक्सियल स्केलेटन हो गया। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन देखें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, ग्रिडल बोन्स और लिम्ब बोन्स। अब जो ग्रिडल बोन्स है वो 6 हैं और लिम्ब बोन्स 120 बोन्स होती है लिम्ब में। तो ग्रिडल बोन्स हमारी 2 में फर्दर डिवाइडेड है, पेल्विक ग्रिडल और पेक्टोरल ग्रिडल। जो पेल्विक ग्रिडल है उसमें 2 बोन्स होती है, और पेक्टोरल ग्रिडल में बस 2+2 मीन्स 4 बोन्स होती हैं टोटल, 2 ईच। अब हम डिटेल में देखते हैं बोन्स के बारे में। तो स्कल से स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले। तो स्कल में हमारे पास कितनी बोन्स होती हैं, 22+1। ये 1 कौन सी है, हायोइड बोन। तो स्कल भी फर्दर 2 में डिवाइडेड था, क्रेनियम में और फेस में। तो क्रेनियम की बात करें तो हमारे जो ऊपर का हमारा स्कल है उसमें, क्रेनियम मीन्स ऊपर का, जो ऊपर है आपका स्कल, उसमें कितनी बोन्स होती है? तो उसमें 8 होती हैं, 8 होती हैं। तो उन बोन्स के नाम कौन कौन है? फ्रंटल, फ्रंटल मीन जो सामने आपका जो फोरहेड है वहाँ पे कौन सी बोन होती है? फ्रंटल। फिर ऊपर पेराइटल होती है, टेम्पोरल, ओसीपिटल और स्फिनॉइड और इथनॉइड। इजी लर्न करना, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ओसीपिटल, स्फिनॉइड, इथनॉइड। फ्रंटल में मीन्स वन होती है फ्रंटल, आगे वाली बोन एक बोन होती है। पेराइटल 2 बोन्स होती हैं, पेयर में होती हैं साइड्स में। टेम्पोरल 2 बोन्स होती हैं, ओसीपिटल 1 बोन होती है और स्फिनॉइड 1 बोन होती है और इथमॉइड 1 बोन होती है। फ्रंटल 1 होती है, पेराइटल और टेम्पोरल ये पेयर में होती है। पूछा जाता है कि पेयर्ड कौन सी बोन्स है क्रेनियम में, तो पेराइटल और टेम्पोरल दोनों क्या है? पेयर्ड है, दोनों 2-2 प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है, बाकी सारे पेयर में नहीं है। फ्रंटल पेयर में नहीं है, ओसीपिटल पीछे होती है, के पीछे बैक साइड जो बोन है ऊपर स्कल में वो ओसीपिटल है। स्फिनॉइड और इथमॉइड ये भी पेयर में नहीं होते हैं, सिर्फ पेराइटल और टेम्पोरल जो है वो पेयर्ड होते हैं। फेस में हमारे टोटल 14 बोन्स होती हैं, फेस में 14 होती है। एक होती है हमारे पास लैक्रिमल, लैक्रिमल आपकी आईब्रोज के नीचे जो बोन है वो कौन सी है? लैक्रिमल, ये पेयर में है। फिर जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक जो आपकी चीक के पास बोन है, चीक के ऊपर जो आपकी बोन है उसको बोलते हैं जाइगोमेटिक, ये भी पेयर में है। नेजल, नेजल जो आपकी नोज है, नोज की भी 2 है ना, 2 साइड्स है, ये भी पेयर में है। इन्फीरियर कॉन के, इन्फीरियर कॉन के भी आपके पेयर में है। नोज के अंदर क्या होती है? एक बोन होती है उसको बोलते हैं इन्फीरियर कॉन के। तो नोज के 2 होल्स है ना, तो 2 होल्स दोनों के अंदर क्या होगी? इन्फीरियर कॉन के प्रेजेंट होगी, तो वहाँ भी पेयर में प्रेजेंट है। वूमर, वूमर वाला नीचे, उसके नीचे हमारा आता है वूमर, जो हमारा माउथ है उसमें भी बोन होती है ना वूमर, वो 1 है, अनपेयर्ड है। मैंडिबल, मैंडिबल हमारा लोअर, जो लोअर जो है हमारा वो क्या होता है? मैंडिबल, उसमें भी एक सिंगल बोन है, अनपेयर्ड है, तो वो लोअर जो है मैंडिबल, लोअर जो को बोलते हैं। मैक्सिला, अपर वाला जो आपका अपर जो है उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिला, वो भी पेयर्ड बोन है। और पैलेटीन, पैलेटीन आपकी ऊपर जो अंदर है, जो आपके माउथ के ऊपर वाला सरफेस होता है ना, वहाँ पे कौन सी बोन होती है? पैलेटीन, वो भी पेयर्ड होती है। सो इसमें पूछा जाता है पेयर्ड कौन कौन सी, इसमें पूछा जाता है अनपेयर्ड कौन कौन सी है। तो अनपेयर्ड याद रखना वूमर और मैंडिबल, लोअर जो वाली और वूमर ये अनपेयर्ड होती है, बाकी सारी क्या होती है? पेयर्ड बोन्स होती हैं स्कल में, स्कल के कौन से पार्ट में? फेस में। नेक्स्ट है हमारे पास कि अब ये डाइकॉन्डाइलिक स्कल इज प्रेजेंट इन अम्फीविया एंड मेमेलिया, ये मैं आपको आगे बताती हूँ डाइकॉन्डाइलिक स्कल क्या होता है। सो ये लाइन याद रखना कि डाइकॉन्डाइलिक स्कल इज प्रेजेंट इन अम्फीविया एंड मेमेलिया, आगे एक्सप्लेन करती हूँ मैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल क्या होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम में स्टार्ट करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम को। सो वर्टिब्रल कॉलम में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे प्रेजेंट इन मैमल्स, मैमल्स में कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा किसमें होते हैं? प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में। अब फर्स्ट जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको अलग नेम दिया हुआ, स्पेशल नेम दिया हुआ क्या? एटलस। फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम को नेम दिया हुआ एटलस और सेकंड वर्टिब्रल कॉलम को नेम दिया एक्सिस। एटलस के नीचे क्या आएगी? एक्सिस। फर्स्ट इज एटलस, सेकंड इज एक्सिस। अब जो लूम्बर वर्टिब्रा है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और लार्जेस्ट होती है। डायग्राम्स देखना एनसीईआरटी में बनी हुई है। जो लूम्बर वर्टिब्रा होती है आपकी वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है और लार्जेस्ट बोन होती है, जो नीचे होती है एंड में। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम्स में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो कार्टिलेजियस ज्वाइंट होता है। आपस में वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स को कौन ज्वाइन करता है? तो कार्टिलेज ज्वाइन करता है। कौन सा कार्टिलेजियस ज्वाइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पूरे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में और उसको भी समझते हैं कि डाइकॉन्डाइलिक स्कल क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्कल से। तो आपका स्कल है उसमें क्या होता है? 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। ये क्या आपकी एटलस है, डेट इज फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम। फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन है उसको क्या नाम दिया? एटलस। सो ये आपकी एटलस है, ये आपकी एक्सिस है। ये एटलस में क्या होता है? आपका स्कल फिट होता है। एटलस में आपका स्कल फिट होता है, तो एटलस में स्कल फिट होगा जब होगा ये जो है यहाँ पे आपका स्कल इधर इस होल में फिट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा? इसको क्या नाम, ये जो पोर्शन है इसका नाम है आर्टिकुलेटिंग फैसेट और इसका नाम है 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ये क्या बनाता है? हमारा कॉन्डाइल ज्वाइंट। यहाँ पे 2 कॉन्डाइल्स हैं तो इसलिए बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल। तो 2 कॉन्डाइल है ना, यहाँ पे 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कॉन्डाइलोइड ज्वाइंट। और फिर आपका जो ये एटलस है ये एक्सिस में फिट होगा, ये जो पोर्शन है ये एटलस का इसमें चल जाएगा एक्सिस के अंदर। और एक्सिस फिर फर्दर किससे कनेक्टेड होगा, बाकी वाली जो इनवर्टिबल कॉलम्स है तो इंटरवर्टिबल डिस्क के थ्रू कनेक्ट होगा, जिसको क्या बोलते हैं कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है हमारे पास। इसमें से यही याद रखना। अब हमारे पास जो ये आपका एटलस है वो एक्सिस में फिट होगा, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो आपका ये कॉन्डाइलोइड ज्वाइंट है ना ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है स्कल की, मतलब आप ऊपर और नीचे जो है वो कॉन्डाइलोइड ज्वाइंट की मदद से मूव करते हो अपने स्कल को, अपने जो आपका स्कल है उसको कॉन्डाइलोइड ज्वाइंट की मदद से ऊपर और नीचे देखते हो। तो अगर ये वाला ज्वाइंट जो है आपका पाइवोइड ज्वाइंट है ये प्रेजेंट नहीं होता तो हम सिर्फ ऊपर और नीचे ही देख पाते, लेफ्ट और राइट नहीं देख पाते। तो जो हम लेफ्ट और राइट अपना स्कल को मूव करते हैं वो किस ज्वाइंट की मदद से मूव कर पाते हैं, पाइवोइड ज्वाइंट। और ये किसके बीच में होता है पाइवोइड ज्वाइंट, आपका एटलस और एक्सिस के बीच में। यहाँ पे जो है ये आपका ये जो चीज़ है और आपकी ये जो चीज़ है जब ये एटलस एक्सिस के अंदर फिट हो जाती है, एटलस जो एक्सिस के अंदर ही आएगी ना, एटलस के बाद एक्सिस आएगी, तो ये दोनों ज्वाइन होंगे। जब ये दोनों ज्वाइन होते हैं तो ये कौन से ज्वाइंट बनाते हैं, किस ज्वाइंट की मदद से ज्वाइन होते हैं, पाइवोइड ज्वाइंट। अब इस ज्वाइंट की मदद से क्या होता है, हमारा स्कल लेफ्ट मूव करता है और राइट मूव करता है। और कॉन्डाइलोइड ज्वाइंट की मदद से क्या होता है, हमारा स्कल अपवर्ड मूवमेंट कर पाता है और डाउनवर्ड मूवमेंट कर पाता है। सो जो आपका कॉन्डाइलोइड ज्वाइंट है ये याद रखना है किसके बीच में होता है, स्कल के बीच में और एटलस के बीच में। और पाइवोइड ज्वाइंट किसके बीच में होता है, एटलस के बीच में और एक्सिस के बीच में। बस इतना याद रखना, बाकी नहीं। एटलस एक्सिस के बीच में पाइवोइड और स्कल और एटलस के बीच में कॉन्डाइलोइड। नेक्स्ट है रिब्स एंड स्टर्नम। सो रिब्स की बात करें तो 12 पेयर्स होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं टोटल 24, 12 एक साइड 12 एक साइड। सो ट्रू रिब्स जो होते हैं उनका सेकंड नेम है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। ये माइंड में रखना, कीप दिस थिंग इन माइंड कि ट्रू रिब्स का सेकंड नेम क्या है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, जो कि 7 होते हैं। सो फॉल्स रिब्स हमारे पास वर्टिब्रो कॉन्ड्रायल रिब्स। जो वर्टिब्रो कॉन्ड्रायल रिब्स हैं ये सेकंड नेम है फॉल्स रिब्स का। ये कौन से होते हैं, 8th 9th और 10th पेयर है वो फॉल्स रिब्स में काउंट होता है। और सेकंड नेम भी ज़रूर याद होना चाहिए कि फॉल्स रिब्स का सेकंड नेम ही ये है। और नेक्स्ट है फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स हमारे 11th और 12th पेयर जो लास्ट के बचते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, क्योंकि वो स्टर्नम से ज्वाइन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिब्स हैव हाइलिन कार्टिलेज। अब रिब्स के पास कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बाइसिफेलिक रिब्स। बाइसिफेलिक रिब्स का मतलब 2 आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, मतलब ये पीछे से भी जुड़े हुए होते हैं आगे से भी जुड़े हुए होते हैं, बाइसिफेलिक रिब्स होते हैं हमारे पास। बस ये टर्म याद रखना कि बाइसिफेलिक रिब्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के केस में। तो रिब केज की बात करें तो वेंट्रली मतलब कि सामने कौन प्रेजेंट होता है, आपका स्टर्नम। आगे वाली साइड कौन प्रेजेंट होता है, स्टर्नम। डॉर्सली रिब केज में कौन प्रेजेंट होता है, पीछे वाली साइड कौन प्रेजेंट होता है, वर्टिबल कॉलम। और लेटरली रिब केज में क्या होता है, रिब्स प्रेजेंट होते हैं। साइड्स में क्या होंगे, रिब्स। सामने क्या होगा, स्टर्नम। पीछे वाली साइड क्या होगा, वर्टिबल कॉलम। सो ये सब मिलके क्या बनाता है हमारा रिब केज। तो आज पार्ट 1 में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। आई होप सो आप सबको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।